आजकल मुजफ्फरपुर में भाई क्या ही हो गया है, यानी कि क्या ही कहें। पहले से भाई, पहले जो था ना उस समय भाई उतना गाड़ी वाड़ी नहीं दिखता था, लेकिन आजकल देख रहे हो इस सड़कों पे बहुत ज्यादा ही गाड़ी दिखना शुरू हो गया है भाई। इतना ज्यादा ट्रैफिक लगता है ना, पहले ऐसा ट्रैफिक नहीं रहता था। आज से करीब 4 साल 5 साल पहले भाई ऐसा ट्रैफिक नहीं रहता तो था। पता ही है, जो पहले मैं अपना ब्राउन ब्रेड अग्रवाल बेकरीज में लेने जाता था, लेकिन अभी पता चला है जो वहाँ पे अग्रवाल बेकरीज का जो शॉप था वो बंद हो चुका है। तो अभी भाई उसका लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है वो तो नहीं पता है, लेकिन मुझे जैसा उम्मीद है क्या जो लोकेशन फिर से वहीं पे आ गया जो पहले जहाँ पे वो अग्रवाल बेकरी था। और देख सकते भाई उस स्टोर के अंदर सबने पूछा था भाई कैमरा कितने का है, कितने में लिए, क्या क्या फीचर है भाई। सच में यार, आप जब निकलते हो ना ब्लॉगिंग करने के लिए तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर रेडी करके चलना पड़ता है। तो फिलहाल मेरा अभी फर्स्ट काम जो था वो ख़त्म हो चुका है, अभी जल्दी से भाई ब्राउन बेड ले लेते हैं, क्योंकि मैंने लोकेशन पता कर लिया है, वो अपने पुराने लोकेशन पे ही है। तो अभी चलना है वहाँ पे ब्राउन बेड लेना है, उसके बाद फिर यहाँ से निकला जाएगा अपना घर, क्योंकि वहाँ से फिर आयुष को पिकअप करना है और आयुष को लेकर फिर अपने गाड़ी का सर्विसिंग करवाना है, क्योंकि गाड़ी का सर्विसिंग करना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्राउन बेड होगा भैया, बड़ा वाला दे दीजिए ना। कितनी ज़्यादा भाई भीड़ है, लगता है कि आज भयानक बहुत चेकिंग होने वाली है। सही है भाई, सही है भाई, हम गाड़ी का सर्विसिंग करवाने आए हुए हैं और यहाँ पे एक होंडा का विस्ट दिखाया है, जो देख सकते हो भाई पहली बार इस गाड़ी को देख रहे हो। उसका नाम क्या है, 200X, CB200X, और पहली बार होंडा ऐसा गाड़ी निकल रहा है, क्या बात है, क्या मस्त लग रहा है भाई। और वो रहा अपना गाड़ी जिसका अभी सर्विसिंग होने वाला है, होंडा प्रशांत होंडा। चलते हैं भाई, अपना गाड़ी का फटाफट सर्विसिंग करवाते हैं। मेरे गाड़ी में सिर्फ ये हैजार्ड लाइट दिया, बस हो गया। ये इंजन चेंज स्विच है, हैजार्ड लाइट है, सब कुछ दिया है। तुम्हें कैसा लगा ये? मस्त लगा। लुक वाइज तो बवाल है, किलर है। बाइक चलाने में लेकिन बहुत मजा आएगा। हाँ, ऑफ रोड के लिए मजा आएगा। नेक्स्ट बाइक यही होने वाला है, ये प्लान करता है। कैसा लगा ये? एकदम बवाल। आगे में देख रहा है मस्त इसका ऊपर से ये वाइजर हटा दिया, वाइजर दे दिया है, इंडिकेटर यहाँ दे दिया है। ऑफ रोड के लिए मस्त है, कभी कभी ट्रिप प्लान में हो उसके लिए बेस्ट। टायर ऑलमोस्ट सेम ही दिया है, लेकिन टायर मेरे में थोड़ा सा डिजाइन चेंज है, बाकी इसमें भी MRF का 140 का ही है। 140/7 है ना, 140/70 है, मेरे में भी 140/70 ही है, यानी सेम ही टायर है। थोड़ा मोड़ा चेंजेस है, और मैंने पहली बार एक ऐसा अच्छा बाइक निकाला है भाई, लग रहा है BMW का कोई एक मॉडल आता है ना। बाइक सही है, क्या बोलते हैं नेक्स्ट बाइक? आयुष नेक्स्ट बाइक तुम बताओ, तुम्हारा नेक्स्ट बाइक होगा? नेक्स्ट बाइक
अपना गाड़ी सर्विसिंग के लिए अंदर आ गया हुआ है और मेरे गाड़ी का जो नंबर मिला है वो है 64 और इससे पहले भाई इतना सारा गाड़ी लगा हुआ है तो अभी टाइम लगने वाला है। ऊपर से एक बज चुका है तो लंच का भी टाइम हो चुका है, तब तक वेट करते हैं। तो अभी आयुष को बाल कटवाना है और आयुष मेरे साथ है लेकिन वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहता क्योंकि भाई उसका मुंह बहुत ही गंदा लग रहा है उसका कहने के अनुसार है। बाकी भाई सुंदर लग रहा है लेकिन क्या ही कह सकते हैं। तो अभी चल रहे हैं बाल कटवाने। तो जब तक सर्विस सेंटर में अपना गाड़ी सर्विसिंग हो रहा है तब तक ये आयुष अपना बाल करवा के सुंदर हो जाएगा। चलते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं जो सैलून कहाँ पे है तो अभी खोजा जा रहा है, आयुष मैप पे खोज रहा है और हम सब चल रहे हैं भाई। फिर उसके बाद कुछ नाश्ता भी किया जाएगा। तो अभी सैलून मिल चुका है, वो देख सकते हैं अपना सैलून है। तो भाई पैसा उसे लगने वाला है नहीं तो अभी चलते हैं अपने सैलून में। अरे अपना सैलून में चलो ना, चलो चलो ना, अच्छा ही होगा, चलो अंदर देखते हैं। तो अभी आयुष अपने सैलून में तो आ गया है लेकिन उसको अपने सैलून पे विश्वास नहीं है। हमने कितना बार समझाया था भाई अपना सैलून है लेकिन फिर भी उसको जाना ही नहीं, बोला है नहीं भाई दूसरे सैलून देखते हैं। तो देखते हैं, मेरा तो भाई धंधा पे तुम ऐसे ही पानी फेर देता है। चलो अभी आयुष अपना बाल कटवा रहा है और हम सब चलते हैं सर्विस सेंटर क्योंकि लंच का भी टाइम ओवर हो चुका है तो गाड़ी के पास रहना बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं तो वो सब कुछ का कुछ कर देते हैं। अभी अपना गाड़ी सर्विसिंग पहले वॉशिंग के लिए जा रहा है। अपना बाइक वॉश हो गया है, नंबर तो भाई बहुत देर बाद था लेकिन फाइनली अपना बाइक हो चुका है। उन्होंने टाइम दिया था 3 बजे का और देख सकते हैं अभी तक मेरी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए कोई उठ ही नहीं रहा है, यानी कोई आ ही नहीं रहा है। और अभी टाइम भी हो चुके हैं 3 लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 बजे का टाइम दिया हुआ है और अभी यहाँ पे लेट लगाए जा रहे हैं। उससे पहले वाले सब खाली कर दिए और मेरा अभी तक 3 बजे का टाइम है लेकिन अभी तक कोई सुन ही नहीं रहा है। तो अभी मैंने कंप्लेन कर दिया है, देख सकते हो अभी भी गाड़ी अपना धुल चुका है लेकिन अभी तक सर्विसिंग के लिए गया नहीं है और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 3 बजे। तो ये होंडा वाले हमेशा से नौटंकी करते हैं, यहाँ पे टाइम कस्टमर के टाइम का वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं यहाँ पे। तो अभी तो ऊपर में मैंने कंप्लेन कर दिया है, देखते हैं कितनी देर में रिस्पॉन्स किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बे है जो खाली है लेकिन अभी तक मेरा गाड़ी नहीं ले गया है। मेरे गाड़ी से पहले जितना भी गाड़ी का नंबर था वो सबको ले गया गया है लेकिन मेरे गाड़ी को अभी तक नहीं ले गया है। तो अभी तो ऊपर कंप्लेन चला गया, अभी रिस्पॉन्स का बस टाइम वेट करते हैं और बाकी देखते हैं आज तो इनका हालत ख़राब करना है पहले और फिर मैनेजर से बात किया जाएगा। तो फाइनली भाई अभी अच्छे से झगड़ा वगड़ा होने के बाद में मेरा गाड़ी आ रहा है सर्विसिंग के लिए। अभी सर्विसिंग होगा, टाइम तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया लेकिन भाई कितना ज़्यादा कंप्लेन करने के बाद में इन्होंने सुना है। फाइनली यहाँ पे अपना अभी सर्विसिंग के लिए गाड़ी आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे गाड़ी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे पोस्टर देख रहा था जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है टायर प्रेशर, इसका हिंदी नाम है यहाँ पे टायर प्रेशर ससुर। शाम के 6:10 हो चुके हैं और भाई अभी जाकर फ्री हुए हैं तो अभी तो भाई बहुत तेज की भूख लगी हुई है। आयुषी में यहाँ पे खड़ा है लेकिन बोला है फेस नहीं दिखाने के लिए, नहीं दिखाएंगे। और बाकी चलते हैं भाई समोसा या कहीं पे कुछ खाने या फिर जो खाने का मन करेगा वो खाएंगे क्योंकि बहुत जोरदार भूख लगी हुई है। तो निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी का तो फुल सर्विसिंग हो गया है बाकी चलाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, बाकी ठीक है देखा जाएगा